अभी के सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। बेटा मैं इसके पहले आपको बता कई बार मतलब जितनी भी क्लासेस ली हैं उसमें सब बताया है आपको कि सामाजिक विज्ञान चार भागों में हो गया है, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो बेटा सामाजिक विज्ञान में आज अपन भूगोल से अध्याय चार का अध्ययन करेंगे, जलवायु। अपन ने इसके पिछले अध्याय में आपको मैं बता दूं, अपन ने पहले स्थल आकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ा और प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए मूल तत्व दो तत्व हो मतलब मूल रूप से दो तत्व होते हैं। इस अध्ययन में हम तीसरे तत्व को अर्थात हमारे देश के वायुमंडल अवस्था कैसी है इसके बारे में अपन क्या करेंगे पढ़ेंगे। अपन मतलब दिसंबर के माह में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मई का महीना असुविधाजनक क्यों होता है और जून और जुलाई में वर्षा क्यों होती है और उत्तर अथवा भारत की जलवायु मतलब अपन इसमें सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर और भारत की जलवायु के बारे में क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। तो भारत कैसा देश है, एक विशाल देश है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे अवधि मतलब 30 वर्ष से भी अधिक मौसम की अवस्था विविधताओं का कुल योग क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। मतलब जो मौसम की अवस्था होती है एक विशाल सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा ये एक विशाल एवं लंबे समय अवधि वाले मतलब जो मौसम की अवस्था को विविधताओं को कुल योग क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। मौसम की विभिन्न अवस्थाओं के कुल योग जो 30 वर्ष से भी अधिक होती है। फिर मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई मतलब एक प्रश्न आप मान लीजिए मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति शब्द मौसम से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। तो ये इसकी मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अरबी भाषा का शब्द है बेटा, अरबी भाषा का शब्द होता है ये मौसम। इसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून अर्थात एक वर्ष के दौरान वायु में दिशा और ऋतु के अनुरूप इसका परिवर्तन होता है। मतलब मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। मौसम एक विशेष समय में वायुमंडल की अवस्थाओं को बताता है मतलब जो मौसम होता है वो एक विशेष समय में क्या करता है बेटा, आप वायुमंडल की अवस्थाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। मौसम तथा जलवायु में तत्व होते हैं मतलब जो मौसम होता है मौसम और जलवायु में के तत्व होते हैं जैसे तापमान हो गया, तापमान, वायुमंडल दाब, पवन, आर्द्रता, ये सब क्या हो गए बेटा, वर्णन एक ही होते हैं मतलब इनके जो वर्णन होते हैं एक ही होते हैं। और भारत में भारत कैसा मतलब देश जलवायु वाला देश है बेटा, भारत कैसी जलवायु का देश। मान लीजिए आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु होती है। गर्मियों में राजस्थान में मरुस्थल मतलब जब गर्मियां होती हैं तो राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों पर तापमान लगभग कैसा हो जाता है, 50 डिग्री से तक पहुंच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगांव में तापमान कैसा रहता है, 20 डिग्री तक रहता है। इसलिए सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान कितना होता है, 45 डिग्री होता है और हो सकता है, और तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री भी हो सकता है। फिर हिमालय के वर्णन को अधिकतर हिम के रूप में होता है मतलब जो हिमालय का वर्णन है वो कैसे रूप में होता है, हिम के रूप में होता है। तो भारत की जलवायु मानसी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में क्या होती है, पाई जाती है। इसमें लगभग मतलब जो होती है प्रतिरूपता कैसी होती है, एक रूपता होते हुए भी अवस्था को स्पष्ट प्रारंभिक भिन्नताएं पाई जाती
हिमालय के वर्णन को अधिकतम हिम के रूप में क्या करते हैं अपन, हिम के रूप में होता है, उसका शेष भाग कैसा होता है, वर्ष के वर्ष रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको बताऊं मैं, वार्षिक वर्णन में मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेके लद्दाख के पश्चिम राजस्थान में 10 मीटर तक इसमें कमी होती है। और जो अक्षांश मतलब भारत के मतलब जलीय नियंत्रण में किसी देश की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर अक्षांश, ऊंचाइयाँ, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र, महासागरी व उच्चवाचल लक्षण होते हैं, ना कि पृथ्वी की ऊंचाई की सतह कितनी ऊंचाई की ओर कहा जाता है। वायु पर दाब, पवन तंत्र, अक्षांश ऊंचाई पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। समुद्र की जलवायु समकारी प्रभाव पड़ता है, और जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है उसका प्रभाव भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें विषम मौसमी अवस्थाओं में क्या कहते हैं, उस अपन क्या करते हैं, विषम मौसमी अवस्थाओं को क्या करते हैं अपन, महसूस करते हैं। कभी आप देखिएगा ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश, तो अपन ये विष का इसके मतलब जैसे जैसे समुद्र से अपनी दूरी बढ़ती है और प्रभाव क्या होता है, दबाव कम होता है। और महाद्वीपीय अवस्था बहुत अधिक गर्म या सर्दी पर होती है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, उसे बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। फिर महासागरीय धाराएं समुद्र, मतलब जो महासागरीय समुद्र धाराएं होती हैं उसको क्या करते हैं, चलने वाले हवाओं के साथ साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। और उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति तटीय क्षेत्र पर गर्मी या ठंडी अवस्था में रहता है, मतलब ठंडी की जलधाराओं में रहता है, तो वायु की दिशा और समुद्र के तट की ओर वह ठंडा हो जाएगा। इसे उच्चवाचन महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब यहाँ की जलवायु के लिए क्या है, उच्चवाचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसकी ऊंचाई इतनी है कि वर्ष आने तक वायु में, पर्वतों में और पवन विमुखी, मतलब जो पवन विमुखी होते, विमुखी ढाल अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, इसको अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। उसके बाद है बेटा, मतलब जो शीत ऋतु में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवात और विपक्षीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव भी होता है। फिर कर्क, कर्क देश के लिए मध्य भाग में पश्चिम, मतलब जो मध्य भाग है उसका उसका भाग होता है पश्चिम, कच्छ में रन और तथा शेष भाग इसके। फिर होता है बेटा मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री, मतलब जो मानसूनी प्रभाव होता है वो कैसा होता है, 20 डिग्री में तथा 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है, उत्तर अक्षांश भी 20 रहेगा और दक्षिण अक्षांश भी कैसा रहेगा, 20 रहेगा। मानसून का समय जून से प्रारंभ होकर सितंबर के माह में 100 से 120 दिनों तक चलता है, मतलब जो मानसूनी जलवायु होती है वो कब से शुरू होती है, वह जून के महीने से क्या होती है, आरंभ होती है और सितंबर तक रहती है। कौन सी जलवायु, मानसूनी जलवायु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु के मध्य नवंबर, मतलब जो शीत ऋतु आती है वो कब आती है, है? नवंबर के प्रारंभ से शीत ऋतु क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है, जब अपन नवंबर दिसंबर में ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। फिर मार्च से मई तक की महीने में कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है वह कैसी होती है, लू ग्रीष्म काल का प्रभावी लक्षण होता है, मतलब जो ग्रीष्म काल की ऋतु होती है, जलवायु होती है, उसमें क्या होता है, लू लगने का, मतलब जो जो लू लगती है, जो कब शुरू होती है ग्रीष्म काल, मार्च से मई तक के बीच ग्रीष्म काल की ऋतु होती है और इसमें लू लगना एक प्रभावी लक्षण होता है। उसके बाद मानसून के प्रभाव में उष्ण कटिबंध के लगभग इसमें एलिनो
खासी पहाड़ी जो होती है वो दक्षिण श्रृंखला में स्थित मणि नाम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्ष प्रातः प्राप्त करता है, और इसमें सेटलमाइंट और सेटेलाइट में गुफाओं के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है, क्या खासी पहाड़ी। और अक्टूबर एवं नवंबर माह में गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन काल होता है, मतलब अक्टूबर और नवंबर माह में जो महीना होता है वहां पे गर्म एवं जो गर्म वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में परिवर्तित होता है। फिर उष्ण कटिबंध चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं, मतलब जो उष्ण कटिबंध कटिबंध के जो प्रभाव होते हैं वो कैसे होते हैं, विनाशकारी होते हैं, और कोरोमंडल तट पर अधिक वर्ष इन्हें चक्रवाती व आर्द्रता के होते हैं। तब आप देखिएगा उष्णकटिबंध क्षेत्रों में अधिकतर मतलब तूफान टाइप की चीजें विनाशकारी तूफान आते रहते हैं। पश्चिमी तटों के भागों में उत्तर पूर्वी से लगभग 400 मीटर वार्षिक वर्षा होती है, मतलब जो पश्चिम के क्षेत्र हैं, तट हैं, भाग हैं, वहां पर उत्तर पूर्व में लगभग 400 मीटर सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्या होती रहती है। उसके बाद है बेटा पश्चिम राजस्थान एवं इसमें पंजाब हरियाणा गुजरात के भाग में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब जो पश्चिम के तटवर्ती इलाके हैं वहां पर पश्चिमी राजस्थान हो गया, इसमें आप मान लो पंजाब हरियाणा एवं गुजरात के भागों में कितनी परसेंट वर्षा होती है, 60% क्या होती है वर्षा होती है। तो भारत में दैनिक जो भारत का दैनिक वो तापमान होता है वह राजस्थान में कैसा है, मरुस्थल है, स्थानों में तापमान कैसा है 50 से डिग्री है। ऐसे इसके कारण वहां पर रेत उष्ण व बहुत जल्दी अवशोषित करती है, मतलब भारत के किन भागों में दैनिक तापमान अधिक होता है, तो मान लीजिए पता मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में मरुभूमि है, इसलिए वहां पे रेत में उष्णता के कारण जो उष्ण क्या कर लेती है वो अवशोषित कर लेती है, इस कारण मरुस्थल में दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान कैसा होता है कम होता है। फिर भारत की जलवायु को कौन कौन से मतलब कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो अक्षांश होता है, अक्षांश ऊंचाई मतलब जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे पहला कारक क्या है बेटा, अक्षांश, यहाँ की वायु दाब पर धरातली पवन है, जो वायु दाब है सबसे पहले वायु दाब, अक्षांशी धरातली पवने और ऊपरी वायु परिसंरचना, पश्चिमी चक्रवात, विपक्षी उष्णकटी चक्रवात, ये सब क्या है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऊपरी देखो वायु दाब पहला, दूसरा ऊपरी वायु दाब, प्रकार बेटा चार कारक हैं इसके, पश्चिमी चक्रवाती और विपक्ष और विपेक्ष और उष्ण कटिबंध चक्रवात और पश्चिमी भाव, उसके बाद हो गए बेटा आपको बता दूं उच्च वायु दाब और चयन से कारण यहाँ के तापमान में मतलब जो है कारक है वो प्रभावित।